हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि निकली है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो और ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। और इसमें ये देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आज ही इसमें 26 मार्च 2019 से 25 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग लास्ट दिन का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सर्वर में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाते हैं जिससे सर्वर स्लो हो जाते हैं और कई बार फॉर्म एंड तक नहीं भर पाते कुछ लोग। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वेट ना करिएगा। अब देखते हैं मोड एप्लीकेशन क्या होगा। मोड एप्लीकेशन इसमें क्या है, ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट जो FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाके आप ये सारी चीज़ डिटेल अच्छे से थोरली पढ़ लेना। और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जो है ये फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है ये थोड़ा ज़्यादा है। इसमें 1000 रुपीज़ जनरल के लिए है और जो SC ST बाकी कैटेगरी के लिए वुमेन इनके लिए 250 रुपीज़ इसमें फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो डिटेल ऑफ पोस्ट है, देखिए इसमें जो है डिटेल ऑफ पोस्ट ये सारी चीज़ देखेंगे इसमें कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें टेक्निकल ऑफिसर है और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर, IT असिस्टेंट, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। और इस तरह से देखते हैं कि देखिए टोटल पोस्ट है 275। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ देखिए। इसमें मोस्ट ऑफ द इसमें जो पोस्ट है उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट मांगा है, और इसमें जो है कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए BTech और ये सारी चीज़ ये मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि अभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत डिटेल में थॉरली में दिया गया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ। इसके लिए आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे एक एक डिटेल जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें सिलेक्शन की जो स्कीम है वो मेनली देखो एक जो पैटर्न है उसमें ये है CBT प्लस रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू। कुछ में इंटरव्यू है, कुछ में नहीं है। देखो ये जो है CBT इन द सेंस दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, उसके बाद रिटन एग्जाम, फिर कुछ में स्किल टेस्ट भी होगा, कुछ में इंटरव्यू होगी, उसकी पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो देखिए कि आप रिटर्न में अच्छे स्कोर करेंगे तभी आपका जो है नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो मोस्टली जो है मैंने बताया कि जो है फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन BTech ये MBA किसी में जो है मांगा गया है। ये आप जो है फूड एंड सेफ्टी की जो ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो लिंक है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लीट ये कर सकते हैं। और इसमें कंप्लीट अच्छे से थॉरली पूरी डिटेल पढ़ेंगे, 54 पेज का ये डिटेल्स है इसमें, और उसको अच्छे से थॉरली पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करेगा। और आई होप कि जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।